आखिर रसलमेनिया 40 में कौन करेगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का सामना, और द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स क्यों हो गए अपने इंटरव्यू के दौरान इमोशनल, और कैसे कोडी रोड्स ने किया नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का वादा, आइए जानते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू रसलिंग जस्टिस। तो बीता मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफ़ी शानदार रहा, जहां हमें एक सिक्स मैन गॉन्टलेट मैच देखने को मिला, जिसमें बिग ब्रॉन्सन रीड, चैड गेबल, जेडी मैकडोना, रिकोशियर, सामी जेन और शिंस्के नाकामुरा शामिल थे। और इस मैच को जीतने वाला बंदा रसलमेनिया 40 में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर को चैलेंज करता। इस मैच की शुरुआत करते हैं रिकोशे और जेडी मैकडोना, लेकिन कुछ ही समय के बाद में जो रिकोशे हैं वो जेडी मैकडोना को पिन कर देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं शूटिंग स्टार प्रेस देकर। देन ब्रॉन्सन रीड एंट्री मारते हैं, ब्रॉन्सन रीड जो है कुछ ही देर बाद एलिमिनेट कर देते हैं रिकोशे को 747 स्प्लैश देकर। सामी जेन की एंट्री होती है, सामी जेन चौथे नंबर पर आते हैं और वह कुछ देर बाद में मोटे ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेट कर देते हैं पिनफॉल से सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब देकर। देन शिंस्के नाकामुरा नचनिया ब्रो की एंट्री होती है, नचनिया ब्रो फिफ्थ नंबर पर आता है और ये जो है मारपीट करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जो ब्रॉन्सन रीड है वो भी अटैक कर देते हैं सामी जेन पे, 747 स्प्लैश देते हैं सामी जेन को, लेकिन फिर भी जो शिंस्के नाकामुरा है वो हरा नहीं पाता सामी को। और इसके बाद में एंड में सामी जेन जो है जैसे तैसे करके हलवा किक देते हैं शिंस्के नाकामुरा को और उसे पिन करके हरा देते हैं। छठे नंबर पर, आखिरी नंबर पर आते हैं चैड गेबल। अब लोगों को उम्मीद थी कि चैड गेबल अब तो सामी जेन को पिन कर देंगे, हरा देंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत बार मैच हो चुका है सामी जेन और बहुत बार ये मैच हो चुका है गुंथर और चैड गेबल के बीच में, तो ये रिपीट नहीं करना चाहती थी मैच रसलमेनिया में WWE। और इसीलिए जो सामी जेन है उन्होंने एक ब्रूटल मैच के बाद में हरा दिया चैड गेबल को पिन करके, और इस तरीके से जो सामी जेन है वो लास्ट मैन बचे रहे गॉन्टलेट मैच के और विनर बन गए इस मैच के। देन सामी जेन ने मैच जीत लिया, इस तरीके से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बन चुके हैं और रसलमेनिया 40 में वो सामना करेंगे, वो चैलेंज करेंगे गुंथर को, और इनका मैच हमें देखने को मिलेगा। मतलब फिर मैच के बाद में सामी जेन जब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, चैड गेबल ने उन्हें सम्मान दिया, गुंथर आते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं सामी जेन को। तो इस तरीके से अब हमें रसलमेनिया 40 में गुंथर वर्सेस सामी जेन का मैच देखने को मिलेगा फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन क्या आपके हिसाब से सामी जेन हरा पाएंगे गुंथर को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं बात करते हैं कि कैसे कोडी रोड्स इमोशनल हो गए बीते रॉ में और कैसे उन्होंने नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का वादा किया। दोस्तों बीते रॉ के एपिसोड में कोडी रोड्स का इंटरव्यू लेते हैं माइकल कोल फैंस के सामने, और माइकल कोल कोडी रोड्स से कई सारे सवाल करते हैं, जैसे कि कोडी रोड्स को रसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच मिल गया था, तो इसके बाद में कोडी रोड्स ने रिस्क लेकर रसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए क्यों द रॉक और रोमन रेंस के खिलाफ सेथ रॉलिंस के साथ में मिलकर टैग टीम मैच लड़ने का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया, मतलब क्यों ऐसी बेवकूफ़ी की कोडी रोड्स ने। तो इसका जवाब देते हैं अमेरिकन नाइटमेयर और कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ, मतलब नाइट वन में अगर मैं टैग टीम मैच जीत लेता हूँ सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर, तो फिर जो है मैं एक फेयर फाइट लड़ पाऊँगा रसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन रेंस के खिलाफ, और मैं ट्राइबल चीफ को सबक सिखा पाऊँगा। फिर माइकल कोल ये सवाल करते हैं कोडी रोड्स से कि तुमने द रॉक को थप्पड़ मारा ये जानते हुए भी कि वो तुमसे मैच छीन भी सकता है, तो कोडी रोड्स कहते हैं कि भैया देखो, बॉस को थप्पड़ मारकर ना बहुत अच्छा फील होता है, और सब जानते हैं कि मैंने द रॉक को क्यों पीटा, क्यों पेला, क्यों ऐसा मैंने उसके साथ में किया। देन माइकल कोल एक और सवाल करते हैं कोडी रोड्स से कि जो सेथ रॉलिंस है वो आखिरी बंदा है रोमन रेंस को सिंगल्स मैच में हराने वाला, तो तुमने अब सेथ रॉलिंस पे विश्वास क्यों किया। कोडी रोड्स जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने जे उसो पे भी विश्वास किया था, मैंने जे उसो के साथ मिलकर भी टैग टीम मैचेस लड़े हैं, तो इसलिए मैंने सेथ रॉलिंस पे भी अब विश्वास कर लिया, और सेथ रॉलिंस मेरा अब अच्छा दोस्त बन चुका है, हमारे बीच में मनमुटाव नहीं है, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। और जब बात ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ने की आती है तो सेथ रॉलिंस हमेशा तैयार रहता है, और इस तरीके से कोडी रोड्स जो है वो सेथ रॉलिंस की भी तारीफ कर देते हैं और बताते हैं कि हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन अब कोडी रोड्स के दोस्त बन चुके हैं, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। एंड में कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि बात आती है उनके पिता डस्टी रोड्स की। कोडी रोड्स कहते हैं कि अब मेरे पास
सिर्फ एक ही पर्सन बचा है जिसे मैं टाइटल दे सकता हूँ, और वो है मिशेल रूबियो, क्योंकि डस्टी रोड्स इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मैं अब उन्हें तो टाइटल दे नहीं सकता, लेकिन जो मिशेल रूबियो है उन्हें मैं टाइटल दे सकता हूँ। मेरी जो वाइफ है ब्रैंडी रोड्स, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है, उनके बारे में बात करते हैं कोडी रोड्स, अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं कोडी रोड्स ब्रैंडी रोड्स की, एंड देन कोडी रोड्स कहते हैं रोमन रेंस को डायरेक्ट कैमरे के सामने आके कि रोमन रेंस सुन एक बात, ये कोई तीसरी चौथी इनिंग नहीं है, तूने मुझे बोला था तीसरी इनिंग है, ये कोई तीसरी इनिंग नहीं है, ये लास्ट इनिंग है, और रेसलमेनिया 40 में मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा। तो इस तरीके से कोडी रोड्स ने अपने इस इमोशनल इंटरव्यू के दौरान रोमन रेंस को धमका दिया है, और ये बात साफ कर दी है कि वो रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने की फिराक में है, और वो चैंपियन बनकर ही रहेंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या कोडी रोड्स का नया चैंपियन बनना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।